जो भी चाहिए Z5 ऐप पर, बस Z5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए कभी भी कहीं भी। राम हो या रावण, मुझे सिर्फ इतना पता है आप तो हो तरफ लगी। अगर पूरे बहरामगढ़ की औरतें पूजा में आएंगी तो वो लड़की भी तो आएगी। मैं तुम्हारे सामने उस लड़की को लाके रहूंगी। इन सबको लाइन में खड़ा, चलो अपना अपना घूंघट उठाओ। मोहिनी जल्दी आ, सौतन, सौतन मुझे माफ कर दीजिए, कुछ नहीं कर सकती मैं आपके लिए। ऐसा मत कहिए, आप ही हमारी आखिरी उम्मीद हैं, आप ही हमें मोहिनी के कहर से बचा सकती हैं। इनकी उम्मीदों को निराश मत होने दीजिए, आपको लड़ना होगा, अच्छाई की जीत के लिए आपको लड़ना होगा। अपने पैरों पर खड़े होकर मरना घुटने टेक कर जीने से कहीं बेहतर। मैं ये लड़ाई लड़ूंगी। राणा, राणा बता किसने किया ये सब? मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। देवकी, देवकी ने किया ना ये सब? राणा देवकी की इतनी औकात नहीं है। तो बता राणा किसने किया? दिमाग खराब मत करो मेरा, चोट लगी है मुझे, इरिटेट हो रहा हूं मैं, कुछ याद नहीं है। Get out. लेकिन राणा, जाओ से। जब तक मैं उस लड़की को ढूंढ नहीं लेता, मैं मोहिनी को कुछ नहीं बता सकता। जब तक उससे मेरा मन नहीं भर जाता, मैं मोहिनी को उसे मारने नहीं दूंगा। Ah! Ah! Ah!
इतना दर्द भी सुकून दे रहा है। ये जंगली बिल्ली उसको सहलाने में मजा पड़ा है। कहीं तुम्हारे मिलने से पहले पागल ना हो जाऊं। पता था मुझे ये सब उस लड़की ने किया है, इसलिए राणा मुझे कुछ बता नहीं रहा। बहुत कुछ सीख चुके हैं और बहुत कुछ सीखना बाकी है, क्योंकि आपका मुकाबला किसी साधारण इंसान से नहीं कि चुड़ैल से है। वधू की अंगूठियां लाई है। मेरी अंगूठी तो दी के पास है, पर दी है कहां? दड़ीदार, बुला के ला अपनी घरवाली को। दिख नहीं रहा कैसे मजाक बन रहा है परिवार का? उसकी इन पचकानी हरकतों से ना सगाई नहीं टूटेगी। काका, मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है। काका, मेरे अंदर जो बदले की आग जल रही है ना संपू, वो मेरे आदमी बुझाएंगे। आज मल्हार के कोर्ट में पेशी है और साथ ही साथ उन दो बदमाशों की। और वो दो बदमाश मल्हार रानी के साथ क्या करते हैं ये तो भगवान ही जानता है संपू। मल्हार जी, बरसों बाद आई थी इन प्यार करने वालों की मिलन की बेला, पर जाने क्यों तकदीर को कुछ और ही है मंजूर। क्या अपनी किस्मत से लड़कर मिल पाएंगे शान और अस्मिता? जानने के लिए देखते रहिए ये तेरी गलियां के मुंबई हनीमून स्पेशल का रोमांच भरा सप्ताह, सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे। वेदिका, तेरी छोटी बहन अवंतिका के लिए कोई रिश्ता मिला है, उन लोगों के आने से पहले तुम मासी के घर चली जाना। पता नहीं कौन से जन्म का बोझ लेकर तू पैदा हुई है। पिछले जन्म पर तो मेरा कोई बस नहीं है नमा। पुराने जन्म की अधूरी प्रेम कहानी क्या होगी इस जन्म में पूरी? वेदिका और साहिल के प्यार की नई दास्तान की क्या होने वाली है शुरुआत? जानने के लिए देखिए आपके आ जाने से की अगली कड़ी। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा मैं कल देखी। सबसे पहले हुई लड़का लड़की की पहली मुलाकात, ये फिर दोनों में बातचीत और थोड़ी सी जान पहचान, और फिर हो गई दोनों की शादी, और शादी के बाद दोनों के परिवार वाले आ गए। हमारे केस में तो सब उल्टा पुल्टा हुआ है ना। अब है ना, आप इस ड्राइंग को देखकर बताइए ना कि हमारी समस्या का क्या समाधान है। किसी भी रिश्ते की शुरुआत जान पहचान यानी कि दोस्ती से होती है। चलिए फिर मिलाइए हाथ, अब से हम दोस्त। कबीर और जारा को हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग रहना होगा। क्या बेटा, वो पहले से नहीं मिलना चाहता था। ये वही जारा है ना जिसने तुम्हें खुला की अर्जी भिजवाई थी? तो वो तुमसे मिलने की आरजू क्यों रखेगी कबीर? मैं बस तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को इस मुसीबत से बचाना चाहती हूँ। पर आपने मेरे लिए इतना स्ट्रेस क्यों लिया? आई मीन, आप सब जानती थी कि वो एक्सीडेंट मैंने किया है और धोखे से नहीं हुआ था, मैंने जानबूझ के किया था। तब भी क्योंकि मैं माँ हूँ। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर प्राची की माँ की तरह रिया की माँ होती तो आज वो ऐसी नहीं होती। पूरा नाम बताइए। शालिन खराना।